हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि गल्फ़ कंट्री में वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गमका मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गमका मेडिकल के द्वारा ही आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। सो दोस्तों, गमका मेडिकल कराने के लिए आपको जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके ही आप गमका का मेडिकल करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गमका मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। सो दोस्तों, गमका मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पहले जो वेबसाइट थी वो देखिए, ये थी v2.gcchmc.org। तो इसको जो अभी चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन, डियर विजिटर काइंडली नोट दैट द वेबसाइट हैज नाउ ऑफिशियली चेंज टू wafid.com। यानी कि जो गमका मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट का जो वेबसाइट था, अभी उसको चेंज करके जो है wafid.com कर दिया गया है। तो जब आप गूगल में सर्च करेंगे wafid.com, तो देखिए आपके सामने पहला लिंक आएगा wafid.com का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसी के पेज पे आएंगे। तो ये जो पेज है, ये ऑफिशियल पेज है जहाँ पे आपको गमका मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट के पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है मेडिकल एग्जामिनेशन का। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बुक एंड अपॉइंटमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने जो है मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट बुक करने का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है अपनी डिटेल्स को एंटर करना है, जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है वो सब डिटेल्स आपके पासपोर्ट के अनुसार होनी चाहिए। तो जो आप यहाँ पे जो भी डिटेल आप एंटर करेंगे वो मेक श्योर करेक्ट होना चाहिए और पासपोर्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकेशन, यानी कि आपकी कंट्री कौन सी है वो आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कंट्री है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपनी कंट्री के हिसाब से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस कंट्री के हिसाब से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो सिटी है वो सिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है किस कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं जीसीसी के, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस कंट्री का यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा। तो जो भी कंट्री आपके, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद देखिए आपके सामने कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ की डिटेल आपकी भरनी है, यानी कि आपका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। तो आपका फर्स्ट नेम जो है जैसे पासपोर्ट में है वो यहाँ पे एंटर करना है, जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो दोस्तों फर्स्ट नेम के साथ ही आपका मिडिल नेम भी आएगा, उसके बाद जो लास्ट नेम है ना वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कैलेंडर खुल गया आएगा। तो अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है जैसा कि आपके पासपोर्ट में है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी को यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी नेशनलिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिड है कि सिंगल है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर को दोबारा से यहाँ पे एंटर करना है कंफर्म करने के लिए। फिर पासपोर्ट का इशू डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि पासपोर्ट कब बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पासपोर्ट का इशू प्लेस, यानी कि पासपोर्ट आपका किस जगह से इशू किया गया है, तो उसका नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट क्या है आपके पासपोर्ट के हिसाब से, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। उसके बाद वीज़ा टाइप देखिए दिया हुआ है, किस वीज़ा में आप जा रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं कि फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए एक ईमेल आईडी आपको अपनी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। नेशनल आईडी अगर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो देखिए ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं। जहाँ पे आपका जैसे जब आपका इंटरव्यू होता है, आपके पास ऑफर लेटर आता है, तो पोजीशन वहाँ पे लिखा होता है किस पोजीशन पे आप जा रहे हैं, तो पोजीशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर ये इन सब में जो है आपका पोजीशन नहीं आता है तो आपको अदर के सेक्शन में जाके उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स बना हुआ है कन्फर्म करने के लिए, अपना कंसेंट देना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पेमेंट कंफर्मेशन का इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपकी डिटेल्स हुई आ जाएगी, जो आपका नाम, ईमेल आईडी होगा, पासपोर्ट नंबर, अमाउंट कितना कटेगा। तो देखिए $10 यहाँ पे है, $10 का पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले आपका जो नाम है क्रेडिट कार्ड पे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके कार्ड का नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अपना एटीएम जो नॉर्मल डेबिट कार्ड है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट सजेशन ये होता है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो वो सही रहेगा। फिर तो अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आपका जो एक्सपायरी ईयर है क्रेडिट कार्ड का वो आपको यहाँ से सेट करना है। उसके बाद मंथ कौन सा है एक्सपायरी मंथ वो आपको एंटर करना है। फिर CVV जो होता है, यानी कि CVV 3 डिजिट का जो नंबर होता है कार्ड के पीछे का, उसको आपको यहाँ पे एंटर करके पे के बटन पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों पे के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके ईमेल पे जो है कंफर्मेशन आ जाएगा और आपके सामने जो है मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट की स्लिप आपके सामने जनरेट होके आ जाएगी और जो मेडिकल सेंटर होगा दोस्तों वो ऑटोमेटिक जो है असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये मेडिकल अपॉइंटमेंट का रिसीट है, यहाँ पे देखिए आपका जो रेफरेंस नंबर होगा यानी जिस स्लिप जिसको बोलते हैं, यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट नंबर ये है, इसी के नंबर के माध्यम से आप अपना मेडिकल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल से नेम वगैरह किस कंट्री में जा रहे हैं, जो डिटेल आपने एंटर किया था वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा और आपके मेडिकल सेंटर का इन्फॉर्मेशन जो है नीचे दिया रहेगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने एंटर किया था वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद अगर आपका जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो आपके सामने नहीं जनरेट होता है तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 3 लाइन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन का सेक्शन है यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए अपॉइंटमेंट स्लिप्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए अपॉइंटमेंट स्लिप को निकालने के लिए अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जो आपने पासपोर्ट एंटर किया था अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। उसके बाद अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। सो देखिए सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट स्लिप था वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।